27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी से हर्ष महाजन चुनावी मैदान में हैं और चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। इसमें सभी कांग्रेस विधायकों को वोटिंग के दिन वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जिसे लेकर हिमाचल बीजेपी ने चुनाव आयुक्त को शिकायत भेजी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस राज्यसभा की एक सीट के लिए हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसके पश्चात लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और जब हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको अपने वोट देने का अधिकार है और एक आत्मा के स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र आत्मा के रूप में जो है अपनी अंतरात्मा के साथ वो मतदान करे, हमने सिर्फ बात इतनी कही, आत्मा की आवाज के अनुसार मतदान करे। जयराम ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को उनकी हताशा करार दिया और कहा बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है कि माननीय जयराम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमें कुछ भी नहीं लेना है। और जयराम जी की ये फ्रस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो विधायकों का आंकड़ा है, वो भाजपा के हक में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ 40 MLA कांग्रेस पार्टी के, 30 जो है, 3 जो है वो निर्दलीय है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 विधायक है। और हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि राज्यसभा का चुनाव पिछले कई वर्षों में अनपूज रहा है, क्योंकि जब आंकड़ा आपके हक में नहीं है तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती रही है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। और 2018 में जब जगत प्रकाश नड्डा जी जो है यहाँ से सांसद, राज्यसभा के सांसद चुन, हमने कैंडिडेट नहीं उतारा है। मगर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा होने के बावजूद भी जो है वो कैंडिडेट को उतार रहे हैं, इसका मतलब जो है इनके मन में जो है, जो इन्हों ने सोचा है या प्लानिंग की है मन में जो है, वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने भी नेता विपक्ष को दो टूक जवाब दिया और क्रॉस वोटिंग पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त है, क्रॉस वोटिंग का सवाल बनता ही नहीं है। जैसे वो आश्वस्त हैं वैसे हम भी आश्वस्त हैं, ये तो परिणाम आने पर पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मतदान है अंदर, तो हर व्यक्ति जो है वो मतदान करेगा। कांग्रेस के पास बहुमत है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात है। अप्रैल 2024 में मौजूदा सांसद जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में हिमाचल में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की इकलौती सीट के लिए मतदान होना है। बहुमत कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक सीट के लिए मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।